क्या अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया? सब्सक्राइब कीजिए स्टे लर्निंग चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। इट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, इट इज द अमाउंट ऑफ इट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर incurred on or attributable to a specified article, product और एक्टिविटी। एक एग्जांपल बताता हूं, आप यहां पे क्लास लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है तो क्लास लेने की कॉस्ट है, फैन चलता है इसका डेप्रिसिएशन, प्रोजेक्टर, कैमरा, विजुलाइजर, बहुत सारे चीजें चल रही होती हैं, एम्पलीफायर, साउंड सिस्टम पूरा का पूरा, ये सब इस पे जो खर्चा होता है, जो इसका डेप्रिसिएशन है, ये सब के सब क्या है? कॉस्ट है। तो कॉस्ट एक तरीके का एक्सपेंडिचर ही होता है। क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर एट्रिब्यूटेड होता है या लगा होता है। जैसे मैं बोलूं इस पेन में, तो पेन में कॉस्ट क्या होगी? पेन में एक रिफिल की कॉस्ट होगी, इंक की कॉस्ट होगी, टिप की कॉस्ट होगी, इस प्लास्टिक की कॉस्ट होगी, है ना। एक बच्चे ने पूछ लिया, सर की डिफरेंस क्या होता है दोनों में? बेटे डिफरेंस ही नहीं होता, वो भी एक्सपेंडिचर का पार्ट है, ये भी कॉस्ट है। बस ये कॉस्ट का मतलब होता है, कई बार हम कॉस्ट बोलते हैं, कॉस्ट का मतलब होता है जो उसी प्रोडक्ट के ऊपर लगा हुआ। एक्सपेंडिचर तो बहुत सारा होता है। जैसे एक छोटे से एग्जाम्पल की बात करूं, हमारे इस क्लास की कॉस्ट होती है, जब आप बैठते हैं, जब आप क्लास चलाते हैं, तो इस क्लास की कॉस्ट होती है। आपको पता है यहाँ पे स्टाफ भी काम करता है, रिसेप्शन पे मैम होती है, इसके अलावा टाइपिस्ट है यहाँ पे, इसके अलावा एडवर्टीजमेंट में जो बंदे लगे हुए हैं, जो एडवर्टाइज करते हैं, उसके लिए खर्चे देते हैं हम, है तो ये सारा का सारा एक्सपेंडिचर। लेकिन जब एक घंटे में क्लास लेते हैं, तो इस एक घंटे में एम्पलीफायर, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, सारा का सारा नहीं लगता, सारा का सारा खर्चा कॉस्ट पे नहीं जुड़ा होता, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कॉस्ट होता है। आप एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं मैं आपको, आप मार्केट में समोसा खरीदने गए, अब समोसे तो उसने बहुत सारे बनाए, है ना, लेकिन आपने एक समोसा 5 रुपए का खरीदा, लेकिन उसको कॉस्ट पड़ी 4 रुपए, तो 4 रुपए कैसे पड़ी? उसमें सामान लगा होगा, उसने उसमें अपना मेहनत जोड़ लिया होगा, उसमें उसने अपना तेल का खर्चा जोड़ लिया होगा, बाकी के खर्चे जोड़ लिए होंगे, समझ रहे हो? उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे जो एक्सपेंडिचर होता है, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट। एक्सपेंडिचर तो सारा हो सकता है, दुकान का रेंट देता है वो बहुत सारा, लड़के रखे हुए लड़कों के खर्चे देता है वो, ऐसे तो बहुत सारे हो गए ना, लेकिन एक पर्टिकुलर उसी चीज के लिए जो कॉस्ट होती है, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट। मतलब एक उसी चीज के लिए पैसे खर्च करना। व्हेन कस्टमर्स आर allowed a reduction in the prices of goods by the business, it is called discount. डिस्काउंट दो तरीके का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट का मतलब है इट इज द रिबेट अलाउड by the seller on the sale, on the basis of sale। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ना, ये बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, लिख लो।
इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, इसको हम बुक्स में दिखाते नहीं है। कहने का मतलब, अगर मुझे नेट सेल निकालना है तो सेल में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, अगर नेट परचेज निकालना है तो परचेज में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो। याद रखना, ट्रेड डिस्काउंट को हम कभी भी नहीं दिखाते, ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक में नहीं दिखाते। अगला लिखिए जरा, कैश डिस्काउंट। इट इज द रिबेट अलाउड फॉर टाइमली पेमेंट, दैट इज प्री पेमेंट। ड्यू अमाउंट, कहने का मतलब क्या, हमने सामान तो बेच दिया, हमने सामान तो बेच दिया या खरीद लिया, तो डिस्काउंट बेसिकली दो तरीके से हम दे देते हैं सामने वाले को। जब गुड्स बेचते हैं या परचेज करते हैं, सेल या परचेज के टाइम पे दो तरीके के डिस्काउंट को देते हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट देते हैं ताकि सामने वाला ज्यादा से ज्यादा सेल करे या खरीदे, टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सेल और परचेज। लेकिन जो कैश डिस्काउंट होता है, वो सामने वाले को लालच देते हैं, तू पैसा अभी दे दे, तेरे को डिस्काउंट दूंगा, ताकि पैसा मैं जल्दी उसे कवर कर सकूं या खींच सकूं। लिखिए, इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स, इसको रिकॉर्ड करते हैं। क्या कहानी है जी, ये रिकॉर्ड नॉट रिकॉर्ड, क्या मामला है ये रिकॉर्ड नॉट रिकॉर्ड का? देखो, नॉर्मली जो मैंने अभी बताया आपको, ध्यान समझना इसको, हम सेल करेंगे या फिर क्या करेंगे, एट दो तरीके से हम काम करते हैं। डिस्काउंट बता दूं मैं, दोनों पे हो सकता है, सेल भी हो सकता है, परचेज भी हो सकता है। समझ लीजिए, एक तो होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इसलिए देते हैं ताकि टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सेल, या मतलब ज्यादा ज्यादा बिका जाए या ज्यादा ज्यादा कोई बेचने के लिए या परचेज करने के लिए ऐसा कुछ किया जाता है। समझ रहे मेरी बात? लेकिन एक होता है कैश डिस्काउंट, टू रिकवर द अमाउंट टाइमली। यहां पे ड्यू लिख लेते हैं बस, हम यहां पे पैसा जल्दी रिकवर करने के लिए किसी को जो डिस्काउंट देते हैं उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। इट इज नॉट रिकॉर्डेड इट इज रिकॉर्डेड समझ गए?
ये बहुत डीपली मैंने समझा दिया, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, ठीक है। मतलब सेल जब करते हैं या परचेज करते हैं, आप सेल की बात मान लो, तो अगर हम सेल करते हैं हम ज्यादा से ज्यादा बेच लें, जैसे कई बार दुकानों पे जाते हो तो लिखा होता है 10% सेल, 15% सेल, सेल लगा देते हैं, तो सेल में क्या होता है सामान ज्यादा बिकता है, तो ज्यादा बेचने के लिए ऐसा किया जाता है। लेकिन बिजनेस में मैक्सिमम पोर्शन उधार पे होता है, और आपको पता है उधार देंगे तो पैसे डूबेंगे भी, है ना। तो हम कोशिश करते हैं कि सामने वाला पैसा हमें जल्दी दे दे, अगर पैसे जल्दी दे देगा तो इससे क्या फायदा होगा हमें, भाई सिंपल सी बात है, हम उस पैसे को कहीं और भी यूज कर सकते हैं, कर सकते नहीं कर सकते। तो जल्दी पैसा रिकवर करने के लिए जो देते हैं उसको बोलते हैं कौन से डिस्काउंट, बोलते हैं कैश डिस्काउंट। तो मजा आ गया, वेरी गुड।